मेरा नाम शैलेंद्र गुप्ता है, रहने वाला बीहापुर का हूँ और जिला मेरा नागपुर आता है। हम यहाँ मिर्ची की रोपाई के इसके संदर्भ में आए हैं। पहले हम यहाँ मिर्ची का बीजा डालते हैं। मिर्ची का बीजा डालने के बाद में फिर वो मिर्च उसको कोम आती है, कोम से फिर उसका झाड़ थोड़ा तैयार होता है। तो उसको यानी 6 इंची झाड़ तैयार होने के बाद में वो झाड़ को उखाड़ कर हम फिर जहाँ हमने जगह तैयार की है मिर्ची के लिए वहाँ हम ये झाड़ को लगाते हैं। पहले ये झाड़ लगाने के पहले एक डोरी लेते हैं, रस्सी, और रस्सी से हम पहले गिन लेते हैं। एक रस्सी के पीछे 100 100 झाड़, 3x2 की रस्सी में एक एक इसमें झाड़ लगाते हैं। झाड़ लगाने के बाद वो उसको थोड़ा खन लेते हैं। खनने के बाद में फिर उसके मिर्ची का झाड़ उसमें दबा देते हैं। दबाने के बाद में फिर और फिर वो हो जाने के बाद लाइन हो जाने के बाद में फिर दूसरे लाइन में आते हैं। वहाँ भी वैसी डोरी लगा कर फिर अब और से फिर वो चालू करते हैं। ये सब काम हम लेडीज लोग हमारे यहाँ की वो करती है। इसकी जो फसल रहती है वो 200 से 250 दिन की रहती है। उसमें फिर वो मिर्ची पहले हरी मिर्ची आती है। हरी मिर्ची आने के बाद में फिर वही झाड़ में लाल मिर्ची हो जाती है। लाल मिर्ची होने के बाद में फिर उसको तोड़ा जाता है। तोड़ के फिर यहाँ मार्केट है, हमारे बीहापुर में ही मार्केट है, वहाँ मार्केट में हम लगाते हैं। इसमें हमारे को दवा पानी खाद वगैरह इसको यानी कम से कम 10 से 12 फवारनी लगती है। फवारनी के बाद में खाद लगता है। खाद में यानी फिर वो झाड़ों के बीच में रंगोड़ी जैसे खाद डालना पड़ता है। खाद डालने के बाद में फिर पानी वानी देना पड़ता है। उसके बाद में वो झाड़ की ये झाड़ बढ़ता है। उस झाड़ बढ़ने के बाद में पहले फूल आते हैं, फूल आने के बाद में फिर मिर्ची आती है। पूरा मिलाकर टोटल खर्चा उसका 1 एकड़ में 1 लाख रुपया आता है और उतना मुनाफा फिर मिर्ची में होता है। 1 लाख के पीछे 1 लाख रुपये मुनाफा होता है। पर मिर्ची अच्छी रही तभी वो मिर्ची को भाव अच्छा रहा तभी वो मुनाफा मिलता है। नहीं तो पानी बरसात तो कभी सूख जाती है, पानी देना पड़ता है, पानी नहीं मिलता, ऐसा वैसा सब दुनिया भरे का खर्चा सब पकड़ के उसमें वो खर्चा पकड़ के पूरा 1 लाख रुपये खर्चा आता है। और मिर्ची अच्छी हमारे को पिक गई तो उसमें हमारे को 1 लाख रुपया मिल भी जाता है।